नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मौसम विभाग के मुताबिक आज शुक्रवार 20 सितंबर से प्रदेश का मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में भी किसी भी जिले में बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी किए गए ताजा बुलेटिन में प्रदेश के किसी भी जिले में तेज बारिश की संभावना नहीं जताई गई, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक अब चैनल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह पर रिप्पल नाम दिखाई दे रहा है। पहले जहां इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े वीडियो आते थे, तो वहीं अब पूरे चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकी बताए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में भी प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आगे जो भी राहुल गांधी के लिए उल्टे सीधे शब्द बोलेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले में गुरुवार रात फिर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। बात इतनी बढ़ गई कि अस्पताल के बाहर जमा हुई लोगों की भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर स्थिति काबू में आई। हालांकि कुछ दुकानों के कांच रात के समय तोड़े जाने की सूचना मिली, लेकिन शुक्रवार सुबह तक कानून व्यवस्था कायम हो गई। इस वक्त उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और अस्पताल के बाहर कुछ पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। शाहपुरा में गणेश पंडाल में 3 दिन पहले मिले मृत पशु अवशेष को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन जहां गुरुवार रात पूरे मामले में आपसी सहमति से मामला सुलझा लेने की बात कर चैन की सांस ले रहा था, वहीं शाहपुरा से भाजपा विधायक लाला राम बेरवा ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए शाहपुरा की शांति होती फिजा में फिर से हड़कंप मचा दिया। विधायक बेरवा ने प्रशासन पर मामला रफा दफा करने के आरोप लगाए। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है युद्धाभ्यास के दौरान एक मोटर बम अचानक फट गया, जिसकी वजह से बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। इस हादसे से वहां हड़कंप मच गया और तुरंत सभी घायलों को पोखरण अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन नामों के संबंध में जानकारी मांगी है जिनके नामों की कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश पदों के लिए सिफारिशें की हैं और जिन पर विचार नहीं किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ मुख्यधारा में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नक्सली हिंसा और नक्सल विचारधारा को मिटाने का निर्णय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और हथियार ढालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की और कहा, अगर नक्सली हिंसा छोड़ने की मेरी अपील नहीं मानते तो हम उनके खिलाफ शीघ्र ही मुहिम शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। नड्डा की ये चिट्ठी एक तरह से खड़गे के पीएम मोदी को लिखे पत्र का जवाब है। नड्डा ने अपनी लिखी चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें सच से दूर है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को महिमामंडित करना खड़गे की मजबूरी बन गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी सभी पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सब पर रूबरू होंगे। शुक्रिया।